शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे कि जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, दिखने में बहुत बड़े रहते हैं लेकिन उनको आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। इस तरीके का जब ट्रिप लिख दिया जाए, जैसे 1/15 प्लस 1/35, 1/63 प्लस 1/99 और 1/43 का मान क्या होगा, तो बच्चे इसको देख करके घबरा जाते हैं और लास्ट में जो है उसको सॉल्व नहीं कर पाते। चलिए इसका फैक्टर करिए। 15 का फैक्टर करेंगे तो 3/5 = 15, 15 हो गया। इधर वाले का जो लास्ट वाला टर्म है, इसमें पहले देखिए 5 = 35, उसके बाद में जो लास्ट का 7 आया है, 7 का अगर 9 में इंटू करेंगे तो 63, 7×9 = 63। फिर यहाँ लास्ट में देखिए 9 आ गया, 9 का अगर 11 में इंटू करेंगे तो 99, और 11 यहाँ लास्ट का हो गया, इसमें 13 से गुणा करेंगे 143 आएगा। जब इस तरीके का बच्चों फैक्टर हो जाए तो अब देखिए इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है सब सेम है, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2, और 13 में से 11 घटाएंगे तब भी 2। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन है तो हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, पहले ऊपर वाली वैल्यूज को काउंट कर लीजिए। तो ये होगा 1, 2, 3, 4 और कितना 5। उसके बाद नीचे से पहले वाला सबसे छोटा वाला डिजिट लिख लेंगे और लास्ट का सबसे बड़ा, तो यहाँ पर हो गया 13, 13 * 39, यही 5/39 आपका आंसर हो गया। चलिए इसी के बाद में कुछ और क्वेश्चन आते हैं जो आपको फ्रैक्शन के रूप में दिए रहते हैं, और इन प्रश्नों को देखकर बच्चे फिर घबरा जाते हैं। फिर घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने एक क्वेश्चन देख लिया, करा 1 + 1/1 + 1/5 का मान क्या होगा, तो आप इसके लास्ट वाले टर्म को देख लीजिए। आप यहां देख रहे हैं कि ये 1/5 लिखा है, तो बच्चों इसको देख लीजिए, एकदम लास्ट वाले टर्म को आप देखिए, 1/5 लिखा है, पहले आपने 1 लिख दिया उसके बाद 5, इसके बाद में जितना ये होल में 1/1 लिखा है इसको गिन लीजिए, 1, 2, 3, इसका मतलब आप 3 पॉइंट लगा दीजिए, 2 और 3। क्या करेंगे, 5 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो देखिए 6 हो गया, 6 में अगर 5 को ऐड करेंगे तो 11 हो गया, 11 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो 17 हो गया, और जब ये हो गया तो लास्ट वाले टर्म को आप अपान में कर दीजिए, यानी न्यूमरेटर में, और उसके बगल वाले को डिनोमिनेटर में, यही आपका आंसर हो गया। तो बड़ा क्वेश्चन भले था लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो आसानी से सॉल्व होगा। इसके नीचे वाला आप देखिए, थोड़ा इससे बड़ा है, 1 + 1/5 + 1 + 1/5 + 1/2/3, लास्ट में आपने यहां क्या देख लिया, 2/3। तो जो 2/3 है, तो बच्चों यहां से 2 और यहां से 3, आप यहां लिख दिए 2 और 3। इसके बाद गिनती गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब 5 आप पॉइंट लगाइए, 2, 3, 4 और 5। 3 में 2 को जोड़ेंगे 5, 5 में 3 को जोड़ेंगे 8, 8 में 5 को जोड़ेंगे 13, और 13 में अगर आप 8 को जोड़ेंगे तो 21, और 21 में अगर आप 13 को जोड़ेंगे बच्चों तो 34 यानी 34, 3 में 1 जोड़ोगे तो 4, और 2 में 1 को जोड़ दिए तो आपका 2 में 1 = 3। अब जब इस तरीके से हमने लिख लिया तो लास्ट वाले टर्म को आप लिख लीजिए, 34 हो गया, और उसके डिनोमिनेटर में आप लिख दीजिए 21, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। हम उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छा लगा तो आप औरों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।